हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं जसप्रीत, बैंकिंग गुरु जी पर आपका स्वागत है। आज हम कैसे करेंगे 2018 RRBPU मेंस मेमोरी बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें डाटा दिया है 3 इयर्स का और एम्प्लॉयज़ का, उनकी सैलरी वगैरह का। नीचे हमें नोट 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन ऐसे पॉइंट को सबसे पहले देखना चाहिए। इसमें हमें दिया है सैलरी एक्सपेंस इक्वल्स टू एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू सैलरी एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस। तो जहाँ पर हमारे पास 5 थिंग्स गिवन है, 3 ईयर है हमारे पास, 2050, 16 एंड 17। क्या क्या गिवन है हमारे पास? पहले दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देन उनकी एवरेज सैलरी, देन सैलरी एक्सपेंस, देन अदर एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस। अब हम इसमें डाटा फिल करते जाएंगे। जो जो हमें दिया है, फर्स्ट लाइन देखिए, इन द ईयर 2015 द सैलरी एक्सपेंस ऑफ कंपनी इज 16 लाख। 2050 में सैलरी एक्सपेंस दे रहा, ये हमारे पास है 16 लाख। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 80, एम्प्लॉय कितने हैं 80। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज आ गए, टोटल सैलरी एक्सपेंस आ गया, तो एवरेज तो हम निकाल ही सकते हैं इसको इससे डिवाइड करके। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000। क्योंकि अगर 80 एम्प्लॉयज को 16 लाख मिल रहा है, तो एक एम्प्लॉय को 20,000 ही मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लाइन में दिया है, एंड इन द ईयर 2016 द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इज 4,000 मोर देन प्रीवियस ईयर। 16 में एवरेज सैलरी प्रीवियस ईयर से मोर है, यानी कि इससे 4,000 मोर, 24,000। द सैलरी एक्सपेंस इन 2016 इज 20% मोर देन प्रीवियस ईयर। सैलरी एक्सपेंस प्रीवियस ईयर से कितना मोर है, 20%। इसका 20% निकालेंगे, 3.2 लाख, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 19.2 लाख आ जाएगा 2016 में सैलरी एक्सपेंस। द अदर एक्सपेंस इन द ईयर 2016 इज 34 लाख। अदर एक्सपेंस दे रहे, ये हमारे पास है 34 लाख। द टोटल एक्सपेंस इन द ईयर 2015 एंड 2016 इज सेम। टोटल एक्सपेंस दोनों का सेम है, इसका टोटल हम निकाल सकते हैं। सैलरी एक्सपेंस भी आ गया, अदर भी आ गया, इसको ऐड करेंगे, 53.2 लाख। टोटल एक्सपेंस दोनों का सेम है, तो इसका भी यही होगा। अब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस दिया है, टोटल दिया है, तो ये हम निकाल सकते हैं। इससे इसको माइनस करेंगे, 37.2 लाख। इतना डाटा हमारे पास आ चुका है। हमारे पास एवरेज सैलरी दी है और टोटल सैलरी एक्सपेंस दी है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास 80 नहीं जहाँ पर आएगा, 80 एम्प्लॉयज ही 2016 में आएंगे। आगे दिया है, इन द ईयर 2017 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 लेस देन प्रीवियस ईयर। पहले कितने थे, 80, इससे 5 लेस, 75। द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द ईयर 2017 इज 15,000। एवरेज सैलरी कितनी है, 15,000। एंड द अदर एक्सपेंस इन द ईयर 2017 इज 47.75 लाख। अब हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए। हमारे पास एम्प्लॉयज गिवन है, एवरेज सैलरी गिवन है, तो टोटल सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 लाख आ जाएगा। अब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है, अदर है, टोटल आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके, ये हमारे पास आ जाएगा 59 लाख। जितना डाटा दिया था हमें, सारा हमारा फिल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द टोटल एक्सपेंस इन द ईयर 2015 इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल एक्सपेंस इन द ईयर 2017। टोटल एक्सपेंस 15 में कितना है, यही रहा
17 में कितना है दे रहा, 59% पूछा है इनटू 100, हमें अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन से देखिए, पहली ऑप्शन है 110, ये तो इससे कम है, 110 होगा तो 659 से ऊपर होना चाहिए था, फर्स्ट एलिमिनेट हो गई, सेकंड है 100%, अगर 100% हुआ तो दोनों का सेम होना चाहिए था, ये भी एलिमिनेट हो गई। थर्ड है 90%, मीन्स कि इससे 10% लेस है, इसका 10% कितना होगा, अप्रोक्स 6 होगा, 5.96 मान लेते हैं, जब हम इससे 6 से निकालेंगे 59 से तो ये कितना आएगा 53, और हमारे पास कितना दिया है 53.2 ही दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली निकालना था तो डायरेक्ट हमारा 90% आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दिया है फाइंड द टोटल एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर, एवरेज सैलरी का टोटल पूछा है, ये रही हमारे पास एवरेज सैलरी, इसका टोटल निकालना है, सिंपल है, जब हम इसको ऐड करेंगे तीनों को 20,000, 24,000 प्लस 15,000, ये हमारे पास कितना आएगा 59,000, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ईयर 2015 टू दैट इन 2017, एम्प्लॉयज 15 में कितने थे 80, 17 में कितने हैं 75, डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा 5, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें मेरे से पूछा है फाइंड द एवरेज अदर एक्सपेंस इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर, अदर एक्सपेंस की एवरेज पूछी है हमसे तो ये हम निकाल लेंगे, 15 में 37.2 प्लस 34 प्लस 47.75 एवरेज पूछी है तो डिवाइड करेंगे 3 से, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 118.95, 3 से डिवाइड करेंगे तो जी हमारे पास उसको जब हम काटेंगे 3 इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।